हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं DSSB के बारे में। देखिए दोस्तों, DSSB के अंतर्गत भी हम बात करेंगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये पोस्ट कोड जो है, ये पोस्ट कोड है 89/17, मतलब जिसका फॉर्म निकला था वो 2017 में निकला था। उसके रिगार्डिंग दोस्तों असिस्टेंट टीचर की जो रिक्रूटमेंट थी वो दोस्तों उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पब्लिश किया गया है। क्या है दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पब्लिश किया गया उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर कट ऑफ को कम किया गया है और जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया गया है इसमें भर्ती होने का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और जानते हैं क्या उसमें बातें कही गई है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला हुआ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर 1356 असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD अंडर पोस्ट कोड 89/17। द DSSB वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2017 हैड एडवर्टाइज 1394 वैकेंसीज, अनरिजर्व की 733, OBC की 341, SC के 170 और ST के 143। ठीक है, ये इन्होंने अपना पब्लिश किया था और यहाँ पे दोस्तों इनका जो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुआ था 6/7/2018 को और 10/11/14 और 29/11/18 को हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन Tier 1 एग्जामिनेशन 6/7/2018 और 10/11/14 को 2018 में जो हुआ था उसमें जो है दोस्तों, इसमें ये CTET सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन सभी के बारे में उन्होंने क्या है दोस्तों, इसको मंगाया होगा डॉक्यूमेंट, है ना। ये क्या है, प्रोविजनल एलिजिबल एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन CTET। ठीक है, ये क्या है, नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ द रिजल्ट नोटिस नंबर 770 डेटेड 22/5/2019 सब्सिक्वेंट सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर 790 डेटेड 14/8/2019 रिजल्ट नोटिस नंबर 806 डेटेड, ये सब इसमें बताया गया है। ये दोस्तों इसमें क्या बताया गया, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, ऐसा है बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजेक्शन हुआ है। क्योंकि रिजेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि वो फाइनली अपना E-dossier जो उन्होंने सबमिट किया उसमें अपने आप को वो प्रूफ नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाए, किसी भी तरीके से दोस्तों डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं, तो उनका क्या है, फाइनली रिजेक्शन किया गया है। उसके रिगार्डिंग भी DSSB के आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आज ही की डेट में एक नोटिस जारी किया गया जिसमें रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स एज पर द कोड पोस्ट कोड 89/20 असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, मतलब असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने रिजेक्शन नोटिस भी आज की डेट में ही जारी किया है। तो दोस्तों उसी के बारे में बताया गया कि इनका तो रिजेक्शन कर दिया गया है और बाकी कट ऑफ को कम करके यहाँ पे जो बताया गया पूरी की पूरी बात है वो ये सभी बातें बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये है PH, ये कैटेगरी नंबर 4, यहाँ पे 4 कैंडिडेट को बुलाया गया है, यहाँ पे 1 कैंडिडेट को बुलाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 45 को बुलाया गया, 45 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। OBC कैटेगरी में 50 कैंडिडेट को बुलाया गया, यहाँ पे 50 कैंडिडेट को मौका दिया गया। SC कैटेगरी में 14 कैंडिडेट को, ST कैटेगरी में 28 कैंडिडेट को। द कैंडिडेट्स हैव ए रोल नंबर ये एंड ये हैव फेल टू अपलोड OBC दिल्ली सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ। ठीक है, OBC का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने में असमर्थ रहे थे। और ये क्या है, द सिलेक्टेड कैटेगरी इन द फॉलोइंग 20 कैंडिडेट्स हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम OBC SC ST टू अनरिजर्व कैटेगरी ड्यू टू लोअरिंग ऑफ मेरिट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये नोटिफिकेशन मैं आपको डाल दूंगा उसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ शिफ्टेड कैंडिडेट्स टोटल 20 ये शिफ्ट किए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अनरिजर्व की कट ऑफ क्या, सबकी कट ऑफ को ही कम किया गया है। और कट ऑफ कम करने की वजह से जो SC कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो अनरिजर्व की कट ऑफ को पार कर लेंगे, तो उनको क्या है, SC कैटेगरीज में ना रख करके शिफ्ट कर दिया गया है अनरिजर्व में। अनरिजर्व में शिफ्ट करती है SC की सीट खाली हुई होगी, तो SC के लिए भी और कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिसके लिए तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है DSSB के बारे में द्वारा। तो ये था दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के बारे में, मैंने आपको बता दिया। एक रिजेक्शन नोटिस भी जारी किया गया, रिजेक्शन नोटिस का भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स का रिजेक्शन हुआ और क्यों हुआ है, पूरा का पूरा रिमार्क्स वहां पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का फुल नोटिफिकेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।